नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अब आपके जीवन काल में आपको बहुत ही अच्छा समाचार मिलने वाले हैं। क्यों दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जब से इस महीने की शुरुआत हुई है, ना ही तो आपका कोई काम बना है और ना ही आपके जीवन काल में कोई सफलताएं आपको मिली है। लेकिन दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब आपका वह समय जा चुका है। लेकिन दोस्तों, आपके मन में यह संदेश था कि दोस्तों यह महीना आपके लिए बहुत ही बुरा जाने वाला है। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब आपके जीवन काल पर वो खुशखबरियां मिलने वाली है जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। परंतु दोस्तों, आप बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होने वाले हैं। तो दोस्तों, ऐसे में कौन कौन सी बड़ी खुशखबरियाँ आपको अब मिलने वाली है, कैसे आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होगा, किस प्रकार से आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर पाएंगे, कैसे समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेंगी, कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना होगा, सभी जानकारियां बहुत ही गहरी तरीके से ग्रहों पर आधारित है। तो दोस्तों, अंत तक देखना अब आपका दायित्व होता है। या दोस्तों, उससे पहले दोस्तों, जो भी भगवान शनिदेव के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जय शनि महाराज लिख दें। भगवान शनिदेव की असीम कृपा आपके जीवन काल में प्राप्त होगा और आपको सभी समस्याओं से भी शनिदेव दूर करेंगे। जय दोस्तों। तो आए दोस्तों, बात करते हैं, शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही अच्छे ज्ञान से, जो कि दोस्तों आप सभी को अपने जीवन काल में भगवान पर विश्वास दिलाएगा। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपको इस महीने के शुरुआत में ही कुछ चीज़ें नहीं मिली है, लेकिन दोस्तों इनसे आपको भगवान से बिल्कुल भी भरोसा नहीं उठाना है। कि दोस्तों, एक बार की बात है, भूख के कारण एक बच्चा रो रहा था, माँ के हाथ में बोतल है फिर भी वह उसको दूध नहीं दे रही, क्योंकि माँ को पता है कि दूध की बोतल में अभी वह गर्म है, क्योंकि बोतल में जो दूध है वह अभी गर्म है, अभी देना ठीक नहीं होगा। यही हमारे जीवन में भी होता है, हम अपने गुरुजी से मांगते हैं पर जब हमें नहीं मिलता तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे गुरुजी को पता है कि कौन सी चीज़ हमें कब देनी है। जिस तरह माँ को पता है दूध अभी गर्म है, अभी दूंगी तो मुँह जल जाएगा, इसी तरह आप भी अपने गुरु पर विश्वास रखें, अपने ईश्वर पर विश्वास रखें, आपकी हर अरदास टाइम आने पर पूरी होगी, आपकी हर मनोकामनाएं समय पर वह पूरे करेंगे। जी दोस्तों, तो दोस्तों यह ज्ञान अगर आपको अच्छा लगा हो या बात सटीक लगी हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में दें जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आए दोस्तों, विषय के साथ बात करते हैं कि अब आपके जीवन काल में भगवान कौन कौन से बड़े बदलाव करने वाले हैं। दोस्तों, इसमें आपके व्यक्तित्व और वाणी द्वारा लोग आपसे प्रभावित होंगे, सामाजिक तथा पारिवारिक लोगों की तरफ से विशेष मान सम्मान भी इसमें आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों, घर में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के आगमन से किसी मुद्दे पर सकारात्मक विचार विमर्श भी इसमें होने वाले हैं। और दोस्तों, आपको बता दें, इसमें आपकी सावधानी क्या होगी। दोस्तों, कभी कभी आपके बहुत ज़्यादा आत्म केंद्रित होने से या फिर ईगो की भावना रखने से आपसे संबंधों में कुछ तनाव भी आ सकते हैं। दोस्तों, किसी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी कोई भी योजना शेयर ना करें, अन्यथा धोखाधड़ी भी हो सकती है। दोस्तों, इन सब चीज़ों से यश में आपको सावधान रहने की जरूरत होगी। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में जो जिम्मेदारी आपने खुद को कर ली थी, दोस्तों आपको बता दें कि उसी जिम्मेदारी संबंधित आपका उत्साह भी यश में कम होगा और काम संबंधित रुचि भी कम होने की वजह से काम की क्लैरिटी पर इसका असर दिख सकता है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों पर यश में आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। परिवार के लोगों के प्रति आपकी नाराजगी भी बढ़ेगी, जब तक बात को आप खुलकर नहीं बोल पाएंगे तब तक लोगों को आपके विचार समझ पाना कठिन हो सकता है। तो दोस्तों, सभी के साथ खुलकर बोलें, ये आपके लिए यश में बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों, आपको बता दें कि यश में भाग्य उन्नति के शुभ अवसर भी बन रहे हैं। दोस्तों, कुछ समय से चल रही चिंताओं से आपको राहत मिलेगी, परिवार के लोगों की हर छोटी बड़ी बातों को जो है जरूरत पूरा करने में आपको आनंद प्राप्त होगा। इसके उपरांत दोस्तों, यश में कुछ विरोधी भी आपके ऊपर हावी होंगे, परंतु आपका अहित यश में नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि जल्दबाजी और अति उत्साह में बना बनाया खेल भी बिगड़ सकता है। यह समय संतान का अड़ियल तथा जिद्दी रवैया भी आपको परेशान कर डालेगा। धैर्य और संयम से काम लें, सब काम सही होगा। और इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि आपके आसपास के लोगों पर विश्वास बनाए रखना आपके लिए कठिन होगा, जिसकी वजह से आप हर एक काम खुद से ही पूरा करके ही कोशिश करेंगे।
दोस्तों आपको बता दें कि परिवार के लोगों द्वारा मिल रही आलोचना की वजह से जो है उनके प्रति कटुता आपकी बढ़ सकती है। यदि आपको अपनी निर्लय क्षमता पर विश्वास है तो दोस्तों आपको अपने निर्लय पर डटे रहना ही उचित होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि परिवार में सुख शांति आपके लिए प्राथमिकता भी रहेगी। दोस्तों काम काज व फिर परिवार में बेहतरीन तालमेल भी बना रहेगा। विशेष सामाजिक व्यक्ति का सानिध्य आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा भी उत्पन्न कर सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि बच्चों तथा युवा अपने लक्ष्य के प्रति इसमें आकर्षित भी रहेंगे। इसके बाद दोस्तों यह समय वाहन या फिर घर की देखभाल संबंधी कार्यों में खर्चा भी बढ़ेगा। अपने बजट का भी ध्यान अवश्य रखें। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों की वजह से कोई महान हानि होने की शंका भी लग रही है। दोस्तों अपनी महत्वपूर्ण चीज़ों अथवा पेपर्स बहुत अधिक संभाल कर रखें, ये आपके लिए समय बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में एक से अधिक बातों की जिम्मेदारी आपके ऊपर आने की वजह से और परिस्थिति पूरी तरह आपके खिलाफ होने की वजह से आपके अंदर जो है कन्फ्यूजन हो सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें प्रैक्टिकल विचार रखकर आप जो है काम करने की आवश्यकता आपको होगी। भावनाओं को यश में आप जो है अधिक महत्व ना दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि जो समय होंगे आपके लिए लाभदायक समय होगा। किसी भी कार्य तथा मेहनत के उचित परिणाम भी इसमें आपको हासिल होंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी संबंधी विवाद चल रहा है तो दोस्तों उसे सुलझाने का उचित समय है। विद्यार्थियों को भी शिक्षा व फिर करियर से संबंधित समस्या से राहत मिलेगी। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आर्थिक मामलों में काफ़ी सोच विचार कर निर्णय लें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों किसी भी प्रकार की जो है भविष्य संबंधी योजनाएं बनाते समय अपने ही निर्णय को प्राथमिकता दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दूसरों की बातों में आने से आपको परेशानी आ सकती है, इस बात का आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि भाइयों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखना इसमें आपकी जिम्मेदारी होगी। और इसके उपरांत दोस्तों इस समय आपके लिए जो समय होंगे दोस्तों व्यापार संबंधी बातों में यह समय आपको फायदा नजर आएगा। दोस्तों यह समय खुद को बेहतरीन बनाने का प्रयत्न आपके द्वारा भी किए जाएंगे, जिसके लिए आपको उचित मार्गदर्शन भी यह समय प्राप्त होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय अगर आपकी करियर को लेकर बात करें अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यह समय आपके करियर के लिए जो समय होंगे कार्य क्षेत्र में यह समय आपको अपनी काबिलियत प्रदर्शन करने का मौका भी मिलेगा। और दोस्तों मार्केटिंग संबंधी कार्यों में भी कोई बड़ा ऑर्डर यह समय आपको मिल सकता है। पेमेंट मिलने संबंधी कार्य भी इसमें सफल नहीं होंगे, धैर्य तथा संयम बनाकर रखें, ये आपके लिए इसमें बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके करियर के लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि काम काज के लिए लिए गए ठोस निर्णय व फिर महत्वपूर्ण निर्णय आपके लिए कामयाब रहेंगे। सिर्फ अधिक मेहनत व फिर परिश्रम करने की जरूरत होगी। दोस्तों आपको बता दें कि कार्य विस्तार संबंधी योजनाओं पर एक बार पुनर्वित विचार करना आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों यश में पैसे लगाते समय बजट का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों ये सब चीज़ आपके व्यवसाय के लिए इसमें बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि अभी व्यवसायिक गतिविधियों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने का प्रयत्न भी आप ना करें, क्योंकि दोस्तों यश में रुके हुए पेमेंट का कलेक्ट करने का तथा आर्थिक स्थितियों को मजबूत करने का समय होगा। दोस्तों नौकरी पेशा लोगों को फोन द्वारा कई उचित जो है महत्वपूर्ण सूचना भी मिल सकते हैं, जिससे आपका मन यश में गदगद रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों पारिवारिक सदस्यों के साथ मनोरंजन संबंधी कार्यों में भी समय व्यतीत होगा तथा घर में मेहमानों के आगमन से भी चहल पहल भरा माहौल रहने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि परिवार में किसी बात को लेकर गलतफहमी भी हो सकती है। प्रेम संबंध भी इसमें मर्यादित रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे दोस्तों यश समय पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा, लेकिन प्रेम संबंधों के चलते घर में किसी प्रकार की कड़वाहट का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों हो सके तो इसमें प्रेम संबंधों से दूरी बनाकर रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। पति पत्नी तथा घर के सदस्य भी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे। प्रेम संबंधों में भी किसी प्रकार की नकारात्मक बातों की दूरियां आ सकती है। तो दोस्तों इन सभी यश ये जो समय है आपके लिए प्रेम संबंधों से दूरी बनाकर रखें। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, कभी कभी कमजोरी और थकान की स्थिति भी यश में रह सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे आपके हेल्थ के लिए जो समय होंगे दोस्तों स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। एलर्जी अथवा मौसमी बीमारियों के संकेत भी इस समय मिल रहे हैं।